लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। स्कूल शिक्षा विभाग करीब 10 साल बाद दोबारा 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित करने जा रहा है। मुख्य परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की अतिरिक्त क्लास लगाई जाएगी। इसके बाद फिर से उनकी परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में भी वह फेल हो गया तो फिर से उसे दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में अभी कक्षा 5वीं और 8वीं क्लास में बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। इसकी घोषणा बुधवार को शहर के एक निजी होटल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने की। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों पर परीक्षा के बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए 2009 में 5वीं और 8वीं की कक्षाओं को बोर्ड से अलग कर दिया था। इसके बाद इन कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों को औसत अंक देकर पास कर दिया जाता था। इसके चलते बच्चों को पढ़ाई और शिक्षकों की पढ़ाने में रुचि कम हो गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भी जानकारी मिल सकता है और आप लोग भी इसको आम जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप भी एक स्तंभ हैं जिसके माध्यम से जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी हम मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम उठा रहे हैं, उसकी आप लोगों को भी जानकारी रहेगी तो और हमें आगे काम करने में और भी जो आगे कदम बढ़ा सकते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो आरोप लगते हैं विपक्ष का, बता दें पिछले एक साल में सरकार जो है अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं कर रही। देखिए, हमने इतने निर्णय लिए हैं, अगर उन्होंने 15 साल में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अगर ये सब कदम उठाए होते और पहले ये अगर किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती कि लगातार 3 वर्षों से कई स्कूलों के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं या स्कूलों में जो भी परेशानी है उनको ठीक करने के लिए समय तो लगेगा। आप जो लोग इतने लंबे से 15 साल तक नवाचार की बात मैंने आपसे यही कहा इसके पहले ही कि काफ़ी चेकिंग की हमने शुरुआत की, NCERT का कोर्स हमने लागू किया, 5वीं 8वीं की परीक्षाएं हमने शुरू कर दी हैं, जो स्कूलों के बोर्ड के रिजल्ट आए थे उन शिक्षकों का हमने परीक्षा भी उनकी की है, उमंग का मॉड्यूल भी हमने लागू किया है और हमने हमारे मतलब प्राचार्य लोगों के लिए उनको एक्सपोजर विजिट भी हमने कराई है। तो धीरे धीरे करके हम कदम, समय पर हमने साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट की है, समय पर हमने बुक्स बच्चों के लिए अवेलेबल कराई हैं और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि हम मध्य प्रदेश के जो शिक्षा की गुणवत्ता में उसमें सुधार ला सकें। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारी प्रदेश।